बोल रहे थे ये ऋषि का दर्शन होगा तो यही अग्नि ऋषि का दर्शन करेंगे हम लोग, अग्नि देव का दर्शन करेंगे और इसमें लालिमा युक्त होकर के हम लोग उसका दर्शन करेंगे। हे अग्निदेव आप हमारे भीतर के सारे विकारों को पापों को हरण करिए, तो मंत्र बोलेंगे तो आप कठोर को जलाएंगे और दूसरे मंत्र करेंगे तो कठोर को अंदर में डालेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः द्विभुवनाः पृथिवी परिभ्रमणाः तस्यास्ति पृथिवी देवयदिनी पृथ्यग्निमन्नात् अन्नाद्याय दधे विश्वे देवा यजमानस्य सीदत संविधान मंत्र से तीन संविधा को हम लोग घी में डुबो करके अग्नि को समर्पित करेंगे। और सुहास तो क्यों बोलेंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठे रहेगा। पहले मंत्र से हम देंगे उत्तर दिशा में और दो मंत्रों को देंगे हम लोग दक्षिण दिशा में, उसे डालेंगे मध्य में आहुति देंगे ताकि ये आहुति इसलिए अलग अलग दिशाओं में देते हैं कि अग्नि बढ़िया से प्रवाहित हो जाए, पकड़ ले अग्नि को। ओम अयंत आत्मा जातो यदस्य निधत्तो वसतो चेदवर्धे चात्मान प्रजापतु भी ब्रह्म वर्तते नान्या देन समेनया स्वाहा। पहले उत्तर दिशा में दो मंत्र कहें तो दक्षिण दिशा में ओम सभी राग में दो चित्र घटे हो जाते हैं आपने रक्त्या जो होते हैं आपका हाँ इधर अग्नि इधर नाम ओम सुत में जाए तो उसे घटों से प्रम जो होते हैं अग्नि जात रे दशे स्वाहा। आज और से बोलिए कि लोग हैं है बच्ची ओम संस्वा सुनिज वरिंद्रो घटों को जाओ उसी प्रचोता यविष्टवा स्वाहा। ये हुआ इधर अग्नि अंगिर से इधर नमः। हम लोग चार मंत्रों से तीन आहुति दिए और अग्नि देव का दर्शन करिए कि अग्निदेव आप कितने प्रचंड हैं, कितने आप सात्विक हैं कि आपके अंदर जो कुछ भी जाता है वो तो सब खत्म हो जाता है और सारे मिलावट दूर हो जाते हैं। एक दिन हम लोगों को अंतिम संस्कार भी इसी अग्नि में होना है तो सुहावे संस्कार यानी गर्भधारण से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार हम लोगों को इसी के साथ होना है। तो अग्निदेव को प्रणाम करते हैं, अग्निदेव आप हमेशा हम सबको सहयोग करें अपनी सीमाओं में रह करके।